स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। मुझे लगता है किसी भी एसोसिएशन फेडरेशन को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए और सरकार से चर्चा करनी चाहिए, डिपार्टमेंट से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि केवल एक फेडरेशन की टीम नहीं जा रही, देश की टीम जा रही है। 130 करोड़ के देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक अवसर होता है दुनिया भर के ग्लोबल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, और मेरा मानना है कि उनको एंगेज करना चाहिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ, और निर्णय सरकार को करना है। क्योंकि मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि इतने बड़े देश में मात्र 18 खिलाड़ी नहीं है जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। हॉकी जैसे लोकप्रिय खेल में प्रतिभा की कमी नहीं है। अगर हम क्रिकेट में देखते हैं कि अभी आईपीएल चल रही है और वर्ल्ड कप साथ में है, अगर वो खेल सकते हैं तो बाकी जगह एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स में क्यों नहीं। मैं समझ सकता हूं उनको कुछ प्रायोरिटाइज करना होगा, क्या टीम की सिलेक्शन करनी होगी, मैं उस विषय में गहराई में नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि भारत की टीम कहां पे रिप्रेजेंट करे ये केवल फेडरेशन तक के सीमित नहीं है, ये भारत को, भारत की सरकार को भी तय करे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउज़ैट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।